वाहिगुरु साहिब जी ऊचे अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गाबते उधरे सुनते उधरे बिन से पाप कनेरे पशु परेता मुगद को तारे पाहन पार उतारे नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारी मोक उचरे सस्तर खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लख बदरो सुने जाओ अकाल कृपा करे ज्यों बलब त्यों बोले स्वामी कुदरत कबन हमारी साध संगत नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी वाहिगुरु साहिब जी जिन तू जाता कर्म बेदाता पूरा भाग गुर शब्द पसाता जात पात सच सच्चा सच सोई हौ मैं मार मिलाएंदा मन कठोर दूजे पाए लगा पर मैं भूल फिर अभागा करम होवे ता सतगुर सेवे सहज ही सुख पाएंदा लख 84 आप उपाए मानस जन्म गुर भगत दरड़ाए बिन भगती बिसटा बिच वासा बिसटा बिच फिर पाएंदा करम होवे गुर भगत दरड़ाए बिन कर्मा क्यों पाया जाए आपे करे कराई करता ज्यों पावे तिवे चलाएंदा कर्म होवे गुर भगत दरड़ाए बिन कर्मा क्यों पाया जाए आपे करे कराए करता ज्यों पावे तिवे चलाएंदा परम सम्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जी बड़भागी हाँ सतगुरां दी अपार बख्शिश हुई है सानू अमृत वेले सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ करके अपने जीवन दिया अमोलक कड़ियां वाहिगुरु जी वालों मिले सबासा नू सफलीकरण दा सुभाग समा प्राप्त होया है।
आओ कुछ समा अपनिया मनोबिरतियां नूं एकागर करदे होए गुरु रहमत सदका जो आपां एक ओंकार तो अमृत बाणी सतगुरां दी विचार सहित सरवण करदे आ रहे हां। चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचार दे नाल जुड़न दी खेचला करिए। जो पावन पवित्र शब्द जप सरवण कीता है जिस दी असां विचार करनी है ये पावन पवित्र शब्द जाप तन 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 गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी आंदे पावन पवित्र रसना द्वारा उच्चारण होया हुआ शब्द जाप है जो कि मारू राग विच सशोभित है। सतगुरां ने इस शब्द विच 16 पौड़ियां दी रहमत कीती है। शब्द दियां भाव के 16 पौड़ियां ने गुरु रहमत सदका आपां 8 पौड़ियां दा जो जाप है पिछे विचार सहित सरवण कीता है अगे 4 पौड़ियां दा जो जाप आपां हुण सरवण कीता है जो विचार अधीन है सतगुरु जी कृपा करन मतबुद्ध बख्शिश करन विचार कर सकीए कोशिश करिए सतगुरां दी विचार धारा नूं समझण दी समझ करके हिरदे घर वसाईए जीवन विच लागू करिए ताते आ साडा भी जिहड़ा जीवन बडमुला अमोलक मालिक ने सानूं इह जीवन दित्ता मानस दे ही मिली है इस देह नूं असी सफल बनाईए कि मिली हुई देह कोलों आत्मक तौर ते आपां लाहा लईए। लाहा लैणा गुरु दी कृपा सदका लाहा प्राप्त हुंदा क्योंकि पातशाह आखदे ऐ गुरमुख लाहा लै गए। गुरमुख दा भाव है गुरु वल मुख करके चलना गुरु दी मत लेके चलना गुरु दे अनुसार होके चलना गुरु दी माण मर्यादा कायदे कानून विच रह के चलना उन्हूं गुरमुख कहिंदे आ। साहब कहिंदे भाई जिहड़े गुरमुख हुंदे आ उह लाहा लै लैंदे आ इस जीवन दा जिहड़े मनाइयां करदे आ कुछ समझदे नहीं हन भई असीं की आ की करना की नहीं करना उन्हूं मनमुख कहिंदे आ। पातशाह कहिंदे मनमुख चले मूल गवाए जो कहिंदे अपना मूल भी मूल भी मालिक वल्लों जो कुछ मिलिया होया सानू आ शरीर कह लिए शरीर दे नाल जिन्नी भी संपत्ति भावें कह लिए आपां जो सानू मिलिया है पातशाह कहिंदे उह सब कुछ ही गवा के मनमुख चलिया जांदा भी जीवन भी फिर दुखी ही बर्बादी विच सुख थोड़ी है। साहब कहिंदे भाई फिर जीवन दुखां विच ही जांदा है गवा के चलिया जांदा इसे करके पातशाह जी कहिंदे ने मनमुखां नूं समझाउंदे होए जिन्हां नूं साडे वर्गिया सोझी नहीं है साहब कहिंदे ने प्यारिया कितें सोचिया कर मेरे वाहिगुरू ने किड्डी कृपा कीती तैनूं समझ सोच विचार सुतंत्रता जीवन दित्ता है पर तेरी हालत ऐसी हुई हुई है। साहब कहिंदे रहण गवाई सोए कै किवें गवा के जांदा जीवन रात्रि सो के गवाती सौ के लंघ गई है क्योंकि ये विद्वान कहिंदे आ भी जीवन जो मालिक वल्लों मिलिया कि ना अद्धा जीवन तो मनुख का सुत्या ही लंघ जाता है बहुतों का अद्धे तो भी ज़्यादा। पातशाह कहिंदे अद्धा जीवन तो इदा ही चलिया गया रैन गवाई सोए कै फिर दिवस है तो दिन विच भी बड़ा समा आप खाण पीण लंघा दिने कदे किते जाना आप पार्टियां शार्टियां चल दी रहिंदियां ना कदे किधर नूं खाण पीण ही चलता रहिंदा है। तो पातशाह कहिंदे रात्रि अद्धा जीवन जिंदगी दा सौके लंघ गया बहुता जीवन खा पी के लंघ गया
रैन गवाई सोई कै पातशाह कहने दिवस गवाया खाए। सतगुरु जी कहने हीरे जैसा जन्म है, जन्म तो हीरे वर्गा हीरे जैसा जन्म बडमुला है। हुण हीरा भाई जे सानू हीरे दी परखनी तां साडे लई हीरा भी एक बट्टी है, एक पत्थर है। पत्थर है जे समझ नहीं सानू उहदी जानकारी नहीं है। जानकारी तो बिना तो पातशाह जी कहिंदे भाई हीरा भी साडे लई कुछ नहीं है। इवों ही साहिबा कहिंदे आ जिहड़ा जीवन हीरे वर्गा मुल दा बहुत है। पता उदों लगता है जदों कोई चीज़ लैनी पैंदी आ शरीर वाले मालिक वालों तो उदों ही मिलिया कि ना सब कुछ। कई बार घाट वाध आ जाती है शरीर च कुछ लेना पैंदा ना, फिर पता लगता भी इहदी कीमत की है। पर वो गल फिर भी नहीं बनती। शरीर का कोई भी अंग खुस जावे ना मालिक वालों मिलिया इहदे जैसा फिर भी नहीं मिलता है। कीमत भी बड़ी उतारनी पैंदी है। पातशाह जी कहिंदे ऐसा जन्म मेरे मालिक ने बडमुला दिता है। इहदे नाल बडमुलियां वस्तां भी मालिक ने किन्नियां दित्तियां। आ जो आप धुप छां हवा पानी इत्यादिक ये मालिक ने ही देना ना। कई बार वेखदे आप हवा ही लैनी पै जाए कि ना ऑक्सीजन बनौटी साह देना लेना पैंदा। कई बार पता उदों लगता भी जदों बिल आउंदा भी किन्नी ऑक्सीजन लग गई है, किन्ना पैसा। पर मालिक ने किड्डा बडमुला खजाना दिता ते किन्ना बडमुला ये जीवन दिता। एक सवास भी ये लखां करोड़ां अरबां खरबां नाल नहीं मिलता जे मालिक वल्लों बंद किया जाए, नहीं मिलता है। इस करके पातशाह कहने हीरे जैसा जन्म है भाई, हीरे वर्गा अमोलक जन्म है, अमोलक। पातशाह जी कहने ने कि बाबा कबीर साहब महाराज नाल बचना की सांझ पाईए। वह भी सानू कहते ने भी है भलिया आ जीवन जिहड़ा तैनू मिलिया है ना एवीं ना इहनूं समझी। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ वस्तु उहनूं कहा भी जिहड़ी बहुत औखी मुश्किल नाल मिले उहनूं दुर्लभ कहा जांदा। भी दुर्लभ वस्तु है ये जिहड़ा मानस जन्म है। पर पातशाह किते बाणी विच इह भी कहिंदे आ दुर्लभ दे पाई बड भागी। कहते दुर्लभ दे पाई है बड़े भागां दे नाल ये प्राप्त हुई है। पर की होया कहने बिरथ जात अब बिक है, कहने बेअर्थ जा रहा ज्ञान तो बिना एवं लंघा रहा इस वासा नूं जीवन नूं। कोई सफलता नहीं है ज्ञान तो बिना। तो साहब कहते हैं बाबा कबीर साहब महाराज कहते भाई ये मानस जन्म जिहड़ा दुर्लभ है। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार ज्यों बन फल पाके होए गिरे बौर न लागे डार। जिवें बना दे विचों बनस्पति चों फल जां फुल कह लिए पक के डिग पिया ना, च भावें कच्चा भी डिग पाए मुड़ के डाली दा नहीं लगदा। इउं ही पातशाह जी कहिंदे आ फल का भी कोई पता नहीं भाई, आसा होंदी सानू भी पक्केगा, कई बार कच्चा ही डिग पैंदा, कोई ऐसा समा बढ़ जाता है। तो पातशाह भी कहिंदे भी आ मनुखा जन्म का भी हाल यही है प्यारिया। गग्गा गोबिंद गुण रबो सास सास जपनीत, कहिंदे आ पातशाह जी कहिंदे कहां बसासा दे का बिलम ना करियो मीत। कहिंदे भाई इस देह का भी इस जन्म मनुख जीवन का भी आ शरीर का भी कोई पता नहीं, बिलम विश्वास ना करियो। कहिंदे बिलम ना करियो मीत, कहिंदे ना बारिक ना जोबने ना बिरधी किस बंद, ओ बेरा ना बूझिए जाओ आए परे जम फंद। कहिंदे भाई पता नहीं कदों फंदा पै जाना इहनूं मौत दा जमा दा। बालपन विच भी जवानी च बड़े पेश विच तां इदों तां कोई गाहां वसता ही नहीं है। इस करके पातशाह जी कहने ये मनुखा जन्म तैनू मिलिया भाई, ये दुर्लभ वस्तु है, इउं समझ लै ज्यों मन फल पाके भोए गिरै बौर न लागे डाल। भी जे भाई फल फुल टुट गया मुड़ के डाली नाल नहीं लगता।
शरीर के अंगों का भी यही हाल है। बनावटी बेशक लखां लोकां जतन कर ले आ, पर असल वाली थोड़ी गल बन गई है जिहड़ा असल है। इस करके पातशाह कहिंदे ने प्यारे कुछ समझना कर, अद्धा जीवन सौं के लंघाता तो उदू गांह वाले चों कुछ खा पी के लंघाता तो समझ नहीं ली। बाबा जी महाराज कहिंदे ने रैण गवाई सोई कै दिवस गवाया खाएं, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। कहिंदे हीरे वर्गा जन्म है भाई कौडियां दे भाई जा रहा है, बस इदा ही बर्बादी। कोई कासे विच कोई कासे विच जीवन की बर्बादी, विषय बकारा विच ना परता जल साड़ा ईरखा निंदिया चुगली तादक विच ये सब बस इयों ही लंघदा जा रहा। पातशाह कहिंदे धन ने भाई ओ जिन्हां ने अपने आप नू पछाण लिया, अपने मालिक नू पछाण लिया, सत नू पछाण लिया, वह धन ने। पातशाह कहिंदे ने अपने आप नू पछाणना, मालिक नू पछाणना, सत नू पछाणना, गुरु तो बिना नहीं ये कृपा हुंदी। सतगुरु नाल जुड़ करके असी आपे दी पछाण कर सकते हाँ, सतगुरु नाल जुड़ करके असी सच दी पछाण कर सकते हाँ, सच नाल जुड़ करके असी सच्चे परमेसर दी पछाण कर सकते हाँ। यह सतगुरु नाल जुड़ करके रहमतां हुंदियां ने सुरहो विचार आओ। इस शब्द विच जो सतगुरां ने कृपा कीती है आरंभता विचो समारक दी बड़ियाई करदे सानू समझाया, पहली पौड़ी आदि जुगाद दया पत दाता पूरे गुर के शब्द पछाता, तुदनो सेवै से तुझे समावै तू आपे मेल मलाएंदा। भी है मेरे वाहिगुरु आदि तो मुढ़ तो लेके जुगाद जुग जिहड़ा मर्जी होवे तू दया ही करदा आ रहा। मेरे वाहिगुरु तू सभना जियां दे उपर दया करदा, तू दया दा पति है, दया पत दाता, तू दाता दा मालिक है, सब कुछ तेरे हाथ में है। पूरे गुरु के शब्द पछाता, पूरे गुरु के शब्द द्वारा पछाणिया जाता। इन्हां गल्लां दी समझ आउंदी है, उस मालिक दी समझ आउंदी है। सुरहो विचार शब्द दियां पहलियां अठ पौड़ियां आपां विचार सहित इसे सरवण कीतियां हन। अगे आपां चार पौड़ियां दा जो जाप अज सरवण कीता है। सो सतगुरां ने अठवीं पौड़ी विच कृपा कीती है, मन तन शीतल गुर चरणी लागा। कहिंदे मन भी तन भी शीतल हो जांदा भाई जिहड़ा गुरु के चरणा दे नाल जुड़ जांदा है। अंतर भरम गया पौ भागा, अंतरों भरम खत्म हो जांदे आ, भुलेखे निकल जांदे आ सारे, वहम डहम निकल जांदे आ सारे। भाव है जिहड़ा डर है सानू पाए गए ने, डर भी बड़े पैंदे पाए ने, सारे निकल जांदे आ कदों जदों गुरु के चरणा नाल जीव जुड़ जांदा है, गुरु की बाणी नाल जुड़ जांदा है। तो साहब कहिंदे सदा आनंद सच्चे गुण गावे, जिहड़ा सच दे सच्चे दे गुण गाउंदा कहिंदा वह सदा ही आनंद रहिंदा, खुशियां खेड़ियां विच रहिंदा। झूठियां दे गुण गाउण नाल नहीं गल बणदी, क्योंकि झूठे अपने असी अपने स्वार्थ लई कहिंदा। कई बार बंदा तां झूठा हुंदा, आपां नूं सच पेश करी जांदे हुंदे आ, गुण उह हुंदे नहीं विच, ते आपां उहीं गुण बाण बणाई जांदे उहदे गुण गाई जांदे हुंदे आ। काहदे लई? वी सानूं कुछ मिलेगा स्वार्थ दे लई गुण गाउणे। तेरे पर पातशाह कहिंदे जिहड़ा भाई स्वार्थ लई गुण गाउंदा अंदर आनंद नहीं बणदा है, जिहड़ा सच्चे दे सच करके गुण गाउंदा, सच नूं सच कहना फिर आनंद बणदा है। सच नूं सच कहना जिहदे विच कोई भी जिहड़े गुण ने, क्योंकि परमात्मा सभना च वसिया होया। सही नूं सही कहना, गलत नूं गलत कहना, पर है औखा, है तो औखा कहना। आपां कहिंदे लै भाई जे मैं ऐ दसदा आह गल सच कहती ऐ हो जूगा, पर गुरु नानक साहिब महाराज जी यही आखना कीता भी बंदे आ सच बोलिया कर भाई, सच बोलण दे नाल असल जीवन बणदा, असल जिउंदा जीवन वाला वह है जिहड़ा सच नाल जुड़िया। पर है कम औखा, पातशाह ने कहा कहना पंडित पढ़दे भी आखण ही औखा सचा नावो। पातशाह जी कहिंदे ने आखण औखा, तो पहला की कहिंदे पातशाह, कहिंदे आखा जीवा
ਵੀ ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਈ ਮਰ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਮਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਖੇਗਾ ਸੱਚ ਭਾਈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਜੇ ਵਿਸਾਰਤਾ ਵਿਸਰ ਹੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਵਿਸਾਰਤਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਭਲਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੌਤ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਕਰਮ, ਇਹ ਔਖਾ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਬੋਲਾਏਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰਚਵੇਂ ਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਬੋਲਾਏਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਕਰ, ਅਸਲ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਧਰਮ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿਤਾ ਧਰਮ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸਨਾਤਨ ਫਿਰ ਧਰਮ ਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਭਾਈ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਲਕੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਾਜੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਜਦੀ ਕਹਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਆ, ਕਾਜੀ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਛੋੜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਝੂਠ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਝੂਠ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫਤਵੇ ਲਾਏ ਲੱਗੇ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ
वेखना किया भी दुनिया नूं गमराह करदे ने, झूठ बोल के इदां अगले नूं लुट छुट कर दिया। तो पातशाह ने कह दिता ब्राह्मण नावै जियां घाए, किते भी कह दिता पातशाह ने, बाणी विच ही बचन ने सारे। साहब जी कहिंदे झूठ ना बोल पांडे, सच कही है। ऐ पंडित जी ब्राह्मण जी इउं ना करो भाई, झूठ बोल के ना दुनिया नूं गलत रस्ते ते पाओ, सच सच आख्या करो, सही रस्ते ते पौना करो, सच कही है इहो जिहा सच बोलो। पातशाह कहिंदे जैसे राम नाम रब रही है, भी जिहड़े तरीके नाल बंदा राम नाम नाल जुड़ के जीवन बतीत करे, इहो जिहे बचन करिया करो, इहो जिहियां गल्लां समझाया करो। ये बाणी विच कहिंदे आ पातशाह जी। जे ब्रह्मण जिया नूं वेखना कीता ते ए वार्ता कहती, ब्रह्मण नाभै जिया काए, ते अगे पातशाह जी कह रहे ने जोगी, कुछ जोगी नूं बिल्ला कीता वेख्या। पातशाह जी कहने ऐ जोगी जी, जोगी जुगत ना जानी अंध, कहिंदे तू अंध विश्वासी हो गया प्याई, तू भी जिउणा ही भुल गया, तू तां जुगती अपनी सड़ दित्ती है। आ कोई जुगत है जिउण वाली, भी जटावां बना लियां, सवाहां मार लियां, धूणे ताले, भाव होर इदां दे बड़े चक्कर जोगियां ने, भी इहो जिहा कुछ करन लगे आ भाई, तू तां जिउणा ही भुल गया, किसी नूं की जिउणा सिखाएगा। इस करके पातशाह जी कहने तीने उजाड़े का बंध, कहने तिन्नी उस धर उस समय ते ये तीन लोग भाव के धर्म के मुखिए जाने जाते, काजी जी ब्राह्मण जी जोगी जी, ते तिन्ना नूं ही पातशाह ने इको पंक्ति विच वखियान करदिआं कह दिता, कहिंदे भाई दुनिया के लोगो, तुसी इन्हां नूं माया पदार्थ आदि दिंदे हो, भी ये साडे मुखिए ने, पर साहिबा कहिंदे इन्हां कोलों तुहानूं प्राप्त की हुंदा तां उजाड़े दा बंध है। उजाड़े दा बंध किहनूं कहा जांदा है, भी जिहड़ा पशु घर विच रखिआ होइआ दुध नहीं दे रिहा ते खाणा दाणा पूरा चख सकदा। पातशाह जी कहिंदे ने भई खाणा दाणा पूरा चल रिहा पर दुध नहीं प्राप्त, कोई लाहा तां है नहीं। पातशाह कहिंदे फिर तां उही है भाई, भी लाहा इन्हां तों कोई नहीं, कोई ज्ञान बाण नहीं मिल रहा, कोई सेहत नहीं जीवन की मिल रही। तो पातशाह जी कहिंदे तुसीं इन्हां नूं आ सब कुछ लुटाई जाने हो, ये बाबा नानक सच्चे पातशाह कहिंदे है। आ हालात वेख के आखना कीता, तो इस करके ही साहब जी सानूं समझाउंदे आ, कहिंदे प्यारियो जे मन अते तन शीतल करना, शांत करना, मन तन शीतल गुर चरणी लागा, गुरु के चरणा नाल जुड़ो, गुरु की वाणी नाल, सच उपदेश नाल जुड़ो। पातशाह कहिंदे जिहड़े जुड़ गए अंतर भरम गया भाउ भागा, उहनां दे अंदरों सारे भरम खत्म हो जांदे आ, क्योंकि बाणी भरमां नूं तोड़दी है, खत्म करदी है। उहनां दे अंदरों भाउ भागा, भाउ डर नूं कहिंदे आ, कोई डर नहीं रहिंदा, डरदे नहीं है जिहड़े सच नाल जुड़े हुए ने। तो आप वेखते इतिहास पढ़ते हाँ कि ना कौन डरिया गुरु प्यारो, जिहड़ा सच बाणी उपदेश गुरु नानक दे नाल जुड़िया होया सी, लखां सैकड़े हजारां करोड़ां भी पहल भावें कह लिए आप, कोई अतखत नहीं, एडे एडे जालमां दे विच खड़िया भी कला कला सिंह जयकारे सड़दा है, गूंजदे ने जयकारे, भाव कि डर भाव नहीं सी कोई, पुछदे सी भी तुहानूं डर नहीं लगता मौत तो, कहिंदे मौत तो डर कहदा, पुछा सी आप। इतिहास बचन भी पढ़ते सुनते रहने कि ना बाबा जोरावर सिंह जी फतेह सिंह जी तो जालम पुछा सी वजीदा, कहिंदा ए बचियो तुहानू मौत तो डर नहीं लगता है, वो कहिंदे मौत का जी, मौत तो भी डरीदा, सवाल तो साडा तेनू है ऐ सूबिया, कहिंदे तेनू खुदा तो डर नहीं लगता है, भी रब तो डरना चाहिए, मौत तो होर का तो डरना है, परमात्मा के हाथ में सब कुछ है, उस खुदा अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। उस दे बच्चा सवाल किया भावें कि उम्र विच बच्चे, तो असी बाबे कहने बाबिया खिताब, क्योंकि उन्होंने जिहड़ी सोच विचार सी बाबिया वाली सी, साढ़े असल बाबे वह ने, तो उन्हें आखना किया ना बे सूबिया मौत तो आनी आनी है, मौत तो कहदा डर है, तू दस सानू, तेनों खुदा तो डर नहीं लगता, परमात्मा तो डर नहीं लगता, जिन्हें सच का न्याय करना है, जिन्हें ते तो पुछना है, तेरे नाल हिसाब करना है, भाव कि डरीए उस अकाल पुरख वाहिगुरु तो, परमात्मा तो, सच्चे रब तो,
इत्थे डर कहदा, जे डरना है माड़े कर्म करन तो डरना करिए। सच तो कहदा डर है, जिहड़ा सच नाल जुड़ गया तो उहनूं झूठ दा कहदा डर है। तो इस करके पातशाह कहिंदे आ वी जिहड़ा सच नाल जुड़ गया, बाणी नाल गुरु के शब्द नाल जुड़ गया, उहदे अंदर कोई किसे प्रकार दा भरम नहीं रहिंदा, डर नहीं रहिंदा, कोई शंका भी नहीं रहिंदी। सेती करके अंदर फिर शंका नूं वी सारियां नूं मालिक कढ दिंदा है। इसे करके साहब कहिंदे अंतर भरम गया पौ भागा, सदा आनंद सच्चे गुण गावे, सच बाणी बोलाइंदा। जिहड़े जुड़े ते अज उह सानूं जोड़दे आ बाणी दुबारा, ते अज सानूं कहिंदे आ वी ऐ प्यारिओ सच बाणी नाल जुड़ के सच बोलना सिखो, सच उचारना सिखो, सच नूं सामने लिआउणा सिखणा करो। ते इसे करके साहब ने यह कृपा की, जिन्हां नूं समझ आ गई प्यारिओ, ते उन्होंने फिर उस मालिक नूं पा लिया। इत्थों ताईं आपां कल विचार सरवण की, इस तो अगे आओ हुण जो सतगुरु जी कृपा करदे हन। जिन तू जाता करम विधाता, पूरे भाग गुर शब्द पसाता, जत पत सच सच्चा सच सोई, हौ मैं मार मिलाइंदा। साहब कहिंदे जिन तू जाता, नौवीं पौड़ी विच कहिंदे आ मेरे वाहिगुरू जिन्हां ने तेनूं जानना कीता, की जानिया, कर्म विधाता, वे तू कर्मां दा फल दिना। जिन्हों यह समझ आ गई भी कर्म फल मेरा परमात्मा वाहिगुरू दिंदा है, फिर जिन्हों समझ आ जाए भी वह कर्म फिर वेख के ही करू कना, भी जिन्हों समझ आ गई भी प्यारिया भी जो तू करेगा वह फल देने वाला परमात्मा बैठा, उन्हें देना ही देना। ये नहीं भी इतने असी कोई काम होर करदा, कई बार आप संसार तो देखते हैं कि ना माड़ा कर्म कोई होर कर जाता है तो गल किसी होर पाया जाता है। इतने तो सत नूं फांसियां हो जांदियां ने, माड़ा कर्म भाई करदा कोई होर है तो भुगतदा कोई होर है, पर जिहड़ा रब दा कायदा कानून मर्जा दा फल देण दी है ना, वह उहनूं ही फल दिंदा है। कर्म वधाता, क्योंकि मेरे मालिक नूं कोई गमराह नहीं कर सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता है, उत्थे सचो ही सच निबड़े पातशाह कहिंदे आ। मालिक दे दर ते तां सच दा निबेड़ा हुंदा है। एक ज्ञाता भाव कि एक बदवाज सुणाउंदा है, कहिंदे भाई समझण लई, कहिंदे एक राही तुरिया जांदा है, राही तुरिया जांदा है, कहिंदे अगों एक बाग आया, बाग च सोहणे बड़े कहिंदे अंब खिड़े लगे हुए ने, पक्के अंब, कहिंदे निगाह गई अंबां ते, मन विच आया भी अंब बड़े सोहणे आ तोड़े जाण, अखियां ने कहिंदे वेखणा कीता, निगाह गई है ते अखां कहिंदे गईआं फल तक तां नहीं पहुँच सकदीआं, निगाह जा सकदी है, कहिंदे पैर चले ते जाके अंबां दे कोल खड़िया कर दिता, वेखणा कीता भी कोई है नहीं इत्थे, रखवाला माली नहीं है, पैर चल के गए, फिर पैर तोड़ नहीं सकते कहिंदे, ते उधरों हत्थां नूं इशारा होया, हत्थां ने अंब नूं तोड़ना कीता है, तोड़ लिया, तोड़िया गया गुरु प्यारियो, ते अंब ने जिहड़े कहिंदे अंब भाई फिर चख नहीं सकते, वेख नहीं सकते भी स्वाद कैसा, स्वाद किने लैना, मुख ने रसना ने, कहिंदे फिर चखना कीता, सकना कीता मुख राही जीभा ने, और जिहड़ी चखदी आ उह स्टोरिंग नहीं, उह भाव रख नहीं सकदी, उह अंदर गया चखिया, स्वाद लैके अंदर पेट विच चलिया गया, पेट ने संभाल लिया, रखना पेट ने कीता। कहिंदे हुण अखां गईआं, निगाह तां अखां दे नाल वेखणा कीता अंब नूं, पर अखां तोड़िया थोड़ी है ना, अखां उत्थे पहुंचीआं, पहुंचणा शरीर किवें गया, पैरां नाल चल के, अखां ने वेखिया, पैर चल के गए, पैर तोड़ नहीं सकदे, तोड़ना हत्थां ने कीता, कहिंदे हत्थां ने तोड़ना कीता, ते जिन्हां तोड़िया उन्हां सकिया नहीं, सकणा रसना ने मुख ने कीता, ते जिन्हें सकिया उन्हें रखिया नहीं, रखिया पेट ने कीती, पेट विच जाना कीता, जिन्हें वेख्या वो चल के नहीं गया, जिहड़े चल के गए उन्हें तोड़िया नहीं, जिन्हें तोड़िया तो उन्हें सकिया नहीं, जिन्हें सकिया तो उन्हें रखिया नहीं। कहिंदे उधरों की होया, इन्हें नूं मालिक आ गया,
बाग दा वेखना कीता भी अंब तोड़ के सकन लग्या होया कोई। कदे उधरों पछा नहीं आया ते आके हाथ विच सलोतर है कदे धूहे ते सिटन लग्या। दो चार मारे भी अंब किदा तोड़े ता मेरे बिना पुछियो, चोरी की है। गुरु प्यारियों कहने धूए तो जिन्हें धूहा जड़ा उन्हें ना देखना कीता, ना उत्थे जाण दी गल कीती, ना तोड़न दी कीती, ना सकण दी कीती, ना रखण दी कीती। ते कहने मार की दे पई धूहे दे, मार धूहे दे पई। ते वो सोचदा भी आ की गलबात। एक भाव के बदबार ने यह सानू समझाउण लई एक कहानी बनाई है भाई, जिन्हें वेखना किया वह चल के नहीं गया, जिन्हें चल के जाना किया उन्हें तोड़ना नहीं किया, जिन्हें तोड़ना किया उन्हें सकना नहीं किया, जिन्हें सकना किया उन्हें रखना नहीं किया। तो जिन्हें रखिया कुट उन्हें नहीं खाधी, कुट किने खाधी, धूही ने धूही तो पै मारा पईआं ने। तो गुरु प्यारियो फिर आखिर की होया, कहिंदे जिन्हें कुट पई है तो रोना उहदा नहीं होया। रोना किहदा होया? पानी कितों बहया? नेत्रां चो अखियां चो पानी आया। भाव की ये वार्ता नूं समझण लई समझना कीता भी बा मेरे मालिका तेरा कैसा कानून है, कैसा कानून है भी जिथों गल आरंभ होई देखिया अखियां ने ते बाकी सारे अंगां ने की कुछ कीता, पर आखिर विच कहानी जड़ा रोना होया वह रोना उन्होंने ही पिया जिन्होंने वेख के शरीर को उधर लेके जाना किया। भाव की अखिया ने वेख्या सी पर चल के पैर गए ने, पैर ने चल के जाना किया, तोड़िया नहीं, तोड़िया हत्था नहीं है, तो हत्था ने तोड़ना किया, चख्या नहीं, चखा ना रसना ने किया, तो रसना ने चख्या तो रखिया नहीं, रखना पेट ने किया। तो मार धूही दे पई है तो फिर रोना किने कीता? अखियां ने नैणा विचों नीर विया। गुरु प्यारियो क्यों? क्योंकि पहला कर्म उन्होंने किया, भाव कि जिहड़ा परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु है कि ना ये समझण लई है भी उहदे घर विच सच दा न्या है भी उह भाई जिहड़ा कोई को कर्म करदा माड़ा कर्म करदा है जिहदी भाव के जिहदी बनदी सज़ा है जिहड़ा भागीदार है फल रब उहनूं ही दिंदा है, परमात्मा जी फल उहनूं ही दिंदा है, सज़ा भी उहनूं है। इसे करके कर्म भाव ऐसियां कहानियां समझण लई है भी इह बंदिया रब दे घर विच तां सच दा न्या है। जिन्ना मर्जी रोल गजोल कर लै, जिन्ना मर्जी एवं भरम च लोगों नूं पा लै, जिन्ना मर्जी झूठ बोल बोल के अपना बधावा कर लै, पासा जी कहने पर मालिक दे घर विच सच दा न्या है भाई। जिन्हें जान लिया जिन तू जाता कर्म बधाता, जिन्होंने जान लिया कहना भी कर्म दा फल देने वाला वह मेरा वाहिगुरु है। पासा कहने जानिया किमें? पूरे भाग गुर शब्द पछाता, पूरे भागा नाल गुरु के शब्द नाल जुड़ करके ये गल्लां दी पछाण आउंदी है, ज्यौना आउंदा किवें ज्यौंदा हुंदा। इस करके साहब कहिंदे ने जत पत सच सच्चा सच सोई होमे मार मलाइंदा। जिन्हां ने समझ लिया ते पातशाह जी कहिंदे उन्होंने अपनी होमे हंकार सब कुछ छड्ड दिता, उन्होंने समझ लिया। गुरु अमरदास महाराज कहिंदे जत पत भी जात ते इज्जत सच सच्चा सच सोई भी असल विच जात भी सच है भाई ते पत इज्जत भी सच्ची है। किदी? जिहड़ा सच नूं जाण लैंदा, जिहड़ा असल सच नूं पछाण लैंदा उहदी सच्ची जात है। जात किहड़ी? मानस जात, मनुखा जात। असल करके वह मनुख है, वह मानस जामे च है, नहीं तो कहण नूं असीं मानस जाना पर झूठ है। गुरु पातशाह कहिंदे ने क्यों झूठ है? क्योंकि मनुखां वाले कर्म नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे है, नित आपां सुणदे पढ़दे हाँ, पातशाह कह रहे ने कि ना साहब जी कहिंदे ने करतूत पशु की कम तां तेरे पशुआं वाले, पातशाह कहिंदे मानस जात वेखण नूं मनुख है। हालत ऐसी एक दो चार दिन ही पातशाह जी कहिंदे लोक बेचारा करे दिन रात लुकाई, लोक दा भाव दुनिया लुकाई, बड़े जीव दिन रात ऐसे कर्म करते ने
जिन्हों का कोई अर्थ नहीं मनुखा जामे दे नाल, जिन्हों का कोई लैण देण नहीं मनुखा जामे नाल, कर्म पशुआं वाले पंछियां वाले तो करदा फिरदा मनुख पातशाह कहिंदे ने। किड्डी भाव के माड़ी गल है, इन्ना सोहना शरीर लैके भी उही माड़े कर्मां च, एड्डी वड्डी सुरत सोच मंडल लैके भी उही नीच सोच विच। पातशाह जी कहिंदे आ बाणी द्वारा सानू किते समझ आ जाए, इस मन नू उचाई विच चलिया जावे, जो मंग मंगदिया साहब दे चरणा विच सच्चे पातशाह मन नीवा तेरे सिखां दा, असीं उह सिख बन जाइए। मन नीवा मत उच्ची, उच्ची मत दे धारनी बन जाइए, फिर जदों ये कृपा होएगी फिर भाई पत दा राखा आप वाहिगुरु। नित कहने गुरु के चरणा विच आपां भी जे मन नीवा होगा भाई मत उच्ची हो, फिर इज्जत दा राखा मेरा वाहिगुरु बनदा सच्चे पातशाह, फिर आप इज्जत रखदा अपने सेवक ही आपे रख। आप पढ़ते तो हाँ भी अपने सेवकों की, अपने प्यारियां की, अपने सिखां दी सिख्या होवे साडे कोले भी मन नीवा होवे। हुण मन तो साडा नीवा हुंदा ही नहीं है, मन तो बड़े 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 अहुदे चक्के फिरदा भी मैं तो एडे अहुदेदार हाँ भी आ ता दुनिया तो असीं तां कीड़े मकौड़े समझे एक दूसरे नूं ना माड़े जे उच्चे हो जाइए। तो पातशाह कहिंदे आ भी मन नीवा हो जाए किते, सोच उच्ची हो जाए, उच्ची सोच परमात्मा वाली गुरु साहब वाली ऐसी सोच बन जाए जो साहब आखड़ा किता मानस की जात सब है एक पहचान वो आ पहचान आ जाए। जे पहचान आ जाए कहना सगल बनस्पत मैं बैसंतर, सगल दूध मैं घीआ, ऊंच नीच में जोत समाणी घट घट माधो जिया, ये पछाण आ जावे फिर तो रब किते गया ही नहीं, फिर तो सारे विच रब दिसूगा, फिर तो सारे पासे रब जी दिसूगा। पर जे आ पछाण ना आई लख यतन करी आप लभण दे नहीं लभदा वो, जे पछाण ना आई गुरु प्यारियो जिन्हों मर्जी जिन्ना कुछ दे के कह दिए रब बखा दे नहीं लभना। क्योंकि अज कहिंदे आ तर्कशील वालिआं ने तां इनाम रखे पए ने, उह कहिंदे करोड़ रुपया देंगे जे कोई रब दिखा दे, उह रब नहीं विखणा जिहड़ा रब असीं वेखण नूं फिरदे आ। क्योंकि उहनां नूं पता भी इत्थे तक दुनिया जा ही नहीं सकदी, इन्ना ज्ञान किहड़ा लैंदा, इधर नूं कौण जांदा है। पर गुरु नानक साहब महाराज जी ने एक किरपा की है, जे असी गुरु की बनांगे, गुरु साहब के बचना समझांगे, गुरु की माण मर्यादा आवांगे, फिर तो दूर नहीं। फिर तो पातशाह जी ने कह दिता जय जय पेखो, जिधर भी वेखांगे ताहे हजूर, भी सारे पास्यो तो नाल ही है, दूर कते ना जाई किते भी नहीं जाता तो रब रहिया सर्वत्र मैं, मन सदा ध्याई पातशाह कहिंदे सर्वत्र विच रमिया होया ते ऐ मना, बस आ गल दा ध्यान बना लै, हिरदे विच वसा लै इस गल नूं, भुली ना कदे। ते मालक जी कहिंदे आ सतगुरु जी ते ये कित्थों पछाण होंदी आ, पूरे भाग गुर शब्द पछाता, पूरे भाग चंगे भाग होण साडे, चंगीआं सोचां होण साडीआं, फिर ये चीज़ की पछाण आउंदी है। इतिहास वल जावांगे आपां, भाई कन्हैया जी ने यह सोच लई गुरु साहब जी की सोच लई, दुनिया तो होर भी डाल सिंह सिख होर भी बड़े सन, पर जदों ये सोच नूं लैके भाई साहब जी सभनां की सेवा करदे आ, ते साडे वर्गे जिन्हां की एड्डी सोच वाले हो ही नहीं सी कना, एड्डी सोच नहीं सी, पर वेखण नूं तां सारी सिख सी कन, पर उन्हां शिकायत कीती बाबा ये कैसा सिख है तेरा, दुश्मनां नूं भी पाणी सकाउंदा जल सकाई जांदा है, ये की गल है। ते साहिबां ने सजणा कीता सी, पुछया सी, ते उत्थे साहिब नूं इही अर्ज कीती भाई कन्हैया जी ने, मेरा मालिका ये सिख्या तां मैं तुहातों लई है पातशाह जी, आ जो सभनां नूं मैं इक समान समझदा, तुहाडी जदों दा संगत विच आया ये किरपा तां उदों दी होई है, तुहाडे कोले सुणिया मेरा मालिका की आखणा कीता सी, बिसर गई सब तात पराई, तात पराई, पराई भाव के पराए नूं वेख के सड़ना तां पातशाह बिसरी गया हुण, क्योंकि कोई पराया लगता ही नहीं, साड़ा ही उदों आउंदी है कि ना साडे अंदर दूसरिआं नूं वेख करके, जिन्हां नाल भाव साडा प्यार नहीं है, जिन्हां नूं असीं चंगे नहीं समझदे,
जिन्हां नूं असीं होर कुछ समझदे निगाह वेखदे आ सामने कोई आउंदा ते अंदर साडा टैंपरेचर जदी हाई हो जांदा है। बहुत आत बीमारियां तां इसे करके ने, बड़े भाव के सुनदे आ विद्वान लोग कहिंदे आ, कहिंदे अज बंदा ओदा नहीं दुखी है, अपनत करके नहीं दुखी, सेती दुख नहीं हन। बहुते दुखी क्यों ने? कहिंदे दूसरिआं नूं वेख वेख के बहुती दुनिया दुखी हो रही है, दूजिआं नूं वेख वेख के, भाव के यह विखावे नाल ही साडे अंदर बहुत ही तपस वधदी है, साडा ईरखा नाल हुंदा सब कुछ, तो यह शांत हो जाए फिर दुख बड़े घट सकदे आ। साडे पातशाह नूं फिर आकणा कीता सी बचन करके भी मेरे साहिबा जदों दा मैं संगत विच आया ना विसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। जदों दी संगत पाई है हुण उदों दी ये कृपा हुई मन बन गया बस, ना को बैरी नहीं बेगाना सागल संग हम को बन आई। ऐ मेरे साहिबा हुण तां सारे मैनू अपने संगी लगदे आ, अपने ही लगते है, पर अज तो माफ करना अज का सिख ऐसा होया या इनू सिख भी सिख नहीं चंगा लगता, इनू अपने ही चंगा नहीं लगता। भाव कि यह सोचना पूगा सानू, ये वार्ता वेखनी पेगी। तद इतिहास में बार बार दोहराया जाता कहना भी इतिहास आप सुन करके ओह जे गुरमुख प्यारे बनी आप। आम कहावत बनी है एक भी जड़ी कौम अपने इतिहास में भुल जाती है कखा कानिया दे वांग वो रुल जाती है। खैर साड़ी हालत भाव के समझना पेगा, इस करके साहब जी ये समझाते ने कहते भाई जिन्हां ने मालिक नू समझ लिया भी इक्को ही है सारिया नू फल देण वाला कर्म बधाता ते पूरे गुरु साहब नाल जुड़ करके शब्द बाणी द्वारा उहदी पछाण आउंदी है कित्थे रहिंदा उह कित्थे वसिया होया। ते साहब कहिंदे फिर जदों पछाण आउंदी है फिर जत पत सच सच्चा सच सोई, फिर यह समझ आउंदी है भी जात भी सच इक्को ही है मनुखा जन्म, पत इज्जत भी सब दी इक्को ही हुंदी है, इज्जत हर एक नूं आपो अपनी प्यारी है, क्यों नहीं थोड़े जे बड़े होके छोटियां नूं बेइज्जती बना के रखी। आप बहुतियां दा हाल हुंदा गुरु प्यारियो अगला नीवें पासे नूं जांदा है, माड़ी जी गल हुंदी उधर नूं चढ़दा है। पातशाह जी कहिंदे पर जे पछाण आ जाए भाई बई असल विच सच इक्को ही है, इज्जत भी सभना नूं आपो अपनी प्यारी हुंदी है, कोई नहीं बेइज्जता तुरिया फिरदा हुंदा। ये ख्याल साढ़े एवें ही होंगे ने, इस करके साहबा कहने गुरु अमरदास महाराज जी कहने जत पत सच सच्चा सच सोई, वो सच्चा मेरा वाहिगुरु, असल में जिन्हें उन्होंने पछाण लिया वो ही सच्चा है भाई, जिन्हें सच न पछाण लिया वो जीवन में जीव सच्चा है मनुख सच्चा है। तो पातशाह कहने ने बस सच्चा वो है जिन्हें अपने अंदरों होमे हंकार कढ़ता, जिन्हें कढ़ता तो पातशाह कहने वह महाराजा न मिलाप हो जाता होमे मार मिलाएगा। तो अगों साहब जी फिर दसवीं पौड़ी में कृपा करते ने मन कठोर दूजे भाई लागा पर मैं भूला फिरे अभागा, करम होवे ता सतगुर सेवै सहज ही सुख पाईंदा। साहब कहने मन कठोर दूजे भाई लागा, साहब कहने जिन्हां दा मन कठोर है भाई, कठोर कहिंदे ने अणमन नूं जिहड़ा कहिंदा मैं नहीं मनदा, जिहड़ा उदां ही हंकार च उतरिया फिरदा उहनूं कठोर कहा। तो हुण साहब जी ये भी बचन करदे आ सतगुरु कहिंदे जिन के चित कठोर है, जिन्हां दे चित कह लिए मन कह लिए कठोर ने, कठोरता नाल भरे हुए ने, अणमन होए हुए ने, ते पासक ने से बहे ना सतगुर पास, कठोर चित कहने सतगुरु दे पास नहीं बहिंदा भाई। क्यों नहीं बहिंदा? साहब कहने इत्थे सच वरतदा उरे सच वरतदा। हुण सच हर एक थोड़ी कोई सुन सकदा है, सच कहना जिन्ना औखा है उदों वध के सुनना औखा है, जिन्ना सुनना औखा इउं भी भावें कह लिए उदू वध के कहना औखा, क्योंकि सच है जिहड़ा गुरु प्यारियो जदों सच चलदा ना कूड़ नूं अग लगदी है, फिर सच दा जिथे सच दा वासा हुंदा ना उत्थों कूड़ दा नाश हुंदा है।
तो पातशाह जी गल कह रहे हैं सानू समझाउंदे आ कहिंदे जिनके चित्त कठोर है से बहे न सतगुर पास उत्थे सच वरतदा सच वरतदा मालिक दे चरणां च कुड़ियारां चित्त उदास कूड़ियां दे कहिंदे चित्त उदास हुंदी है अदास हुंदी है माफ करना गुरु प्यारियो अज बहुता रौला ही सुन दिया कहिंदा आपां माफ करना बई जी स्पीकर नहीं लगने चाहिए बाणी बाणी सच है हुण पातशाह कहिंदे इह बचन नूं जे समझांगे आपां साहिब कहिंदे प्यारियो जिथे सच वरतदा कूड़ नूं फिर की हुंदा अग लगदी है ना खात्मा हुंदा उदासी आउंदी है अंदर नमोशी आउंदी है तां करके कहा जांदा कहिंदा ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਥਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਸਾਹ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਜਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਰਲ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਸੰਗ ਬਣਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਠੋਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਲਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਠੋਰਤਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰੇ ਭਿੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਛੱਡੂਗਾ ਉਹ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਗ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜਰੀ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਹੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਕਠੋਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਲਾਗਾ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਲੇਸ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਵੇਸ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਅ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰੇ ਅਭਾਗਾ ਇਹ ਅਭਾਗੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਜੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ਦਾ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਣ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਾਏਗਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਘਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਣ ਜਣ ਕੀ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਣ ਜਣ ਕੀ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜੋ ਭਰਮਤ ਸੁਧਨੇ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ
ਕਹਿੰਦਾ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਭਜਨ ਦੀ, ਬਈ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਵੀ ਸੁੱਖ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਖ 84 ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਏ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਗੁਰ ਭਗਤ ਦੁਰਡਾਏ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਏਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ 84 ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੱਖ 84 ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚਨ ਐਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਵਧਾਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ 84 ਲੱਖ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਗੁਰ ਭਗਤ ਦਰੜਾਏ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਪਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਬਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਖਣਾ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਗਾਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਝ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੰਤਰਹੀਣ ਸਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟਨ ਹੈ, ਕੁੱਕਰ ਹੈ, ਸੂਕਰ ਹੈ, ਗਰਤਬ ਹੈ, ਕੱਕ ਹੈ, ਤੁਲ ਖਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਵੀ ਕੰਮ ਘਰ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਅਤਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਵਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਪਾਪ ਦੋ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁੱਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਜਨਮ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾਏਗਾ, ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਛੀ 'ਤੇ ਪੰਛੂ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਗੁਰ ਭਗਤ ਦਰੜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਬਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ, ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਸਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਮਾੜੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੜਤਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਬਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਏਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀੜਾ ਬਣਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਓ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਭਗਤ ਦਰੜਾਏ,
बिनकर्मा क्या उपाया जाए, आपे करे कराए करता, ज्यों भावे तिवै चलाएंदा, सबकन कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाए। इत्थे कर्म बख्शिस है, भी जे बख्शिस हो जाए मालिक दी गुरु साहब दी ते यह जीव भगती विच लग जांदा, दृढ़ हो जांदी है भगती, इहनूं भगती ते विश्वास हो जांदा है। हुण भगती तां आपां बड़ी बार इह सांझ पाई है बचनां दी, भई भगती दे अर्थ ने जिहड़े पब्बा भावना रखणी भाई, सच दा डर रखना, भाव रखना, ते गग्गा नाल ज्ञान रखना। भावना ज्ञान तो बिना अधूरी है, भावना कहीए सरदा कहीए, सरदा ज्ञान तो बिना अधूरी है। कई बार असी ऐवें कितें ना कितें सरदा बना बैठे हैं पर कख नहीं हुंदा। कदे कोई किसे नूं पूछदा, कोई किसे नूं पूछदा, भावें बाणी दे विच्चों ही आपां तुकां पढ़ के सेध लै लईए, रोजाना पढ़दे हां सतगुरां अखणा कीता कहना, को बतान को पूजत है पास, को मृतान को पूजन तायो। पासा कहने बतान किनू कहने, बुत नूं, बुतां नूं। पासा ही कहने कोई बुतां नूं पूजदा है, कोई रुखां नूं पूजदा है, बाणी विच साहिबा कहने, कोई मृतुआं नूं पूजदा, कोई पशुआं नूं पूजी जांदा है। पासा जी कहने ने को बतान को पूजत है पास, को मृतान को पूजन तायो। पासा कहने ये सच नहीं, कूर किरिया, झूठ दी किरिया है। पासा कहने कूर किरिया उरज्यो सब ही जग, सारा जग ते इधर उलझिया पिया। पर पासा कहने श्री भगवान को जिहड़ा सिर मोर सभना तो उच्चा भगवान मालिक है, श्री भगवान को भेद ना पायो, उन्हूं समझना नहीं कीता। रो विचार साहब जी कहंदे ने कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाए, वो असल भगती दृढ़ कर लैंदा, भावना सच्ची बन जाती है ते ज्ञान वाली भावना हुंदी है। तत्ता त्यागी नूं कहंदे है वो माड़े कर्मां दा त्याग कर दिंदा है, वो ऐसी भगती दृढ़ कर लैंदा है। पातशाह जी कहंदे बिन कर्मा क्यों पाया जाए, हुण बिन कर्मा इत्थे कर्म है, कोशिश नूं उद्यम उपराले नूं क्या, भी बिना उद्यम तो भाई मेरा मालिक पाया नहीं जाता, बिना उद्यम तो कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं होंगी, उद्यम भी नाल चाहिए। तो पहला बख्शिश कहता कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाए, गुरु की कृपा होवे तां भगती हुंदी है। तो पातशाह जी कहने जे बंदा जीव भाई उद्यम उपराला कोशिश करता है तो सब कुछ प्राप्त कर लैंदा है, आपे करे कराए करता ज्यों भावै तिवै चलाएंदा। आपे मेरा मालिक सब कुछ करता है तो करवाउंदा भी वह, करता भी वह है। जिमें मालिक नूं भाउंदा जिहे जो असीं कर्म करते हैं उहो जिही भाउणा कहना। ये थोड़ी है कोई माड़े कर्म करता रब नूं चंगा लगू जां कोई चंगे करता माड़ा लगू, ये नहीं। पातशाह कहने ज्यों भाव है तिबे चलाएंदा, बस जिमें उन्हों पाँदा है उमें वह काम अपना चला साढ़े ते, उमें वह पेश आता वह जो फल दिता। इस करके आओ साहब के चरणों में अरदास करी भी सच्चा पातशाह साढ़े ते भी मेहर करो, कृपा करो, सच ज्ञान हो जाए, असी भी सच्चे सुचे कर्म करिए। तुहाडा सच नाम उपदेश बाणी विचार साढ़े हिरदे घर में बस जाए, कदे भुलीए ना, तेरे गुण गाइए, गुण गाँवते हुए असी भी इस जीवन नूं सफल बनाईए। मेहर कर दिओ सतगुरु जी साढ़े सभना ते विसर नाही दातार, अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात, नानक चावे हो होइया भुलां दी खिमा बख्शिश करनी जी। 12 पौड़ियां शब्द दियां संपूर्ण हो गईयां हन, 4 पौड़ियां बाकी रहिंदियां ने, सतगुरु जी कृपा करन आपां कल नूं विचार करांगे। आओ जिन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां कुछ क समां गुरमंत्र द्वारा सांझ पाईए। प्रेम सहित सारी संगत आखणा करो जी वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु,
वाहिगुरु।